तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की उत्सव की ये तस्वीरें जो कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट के सहयोगी सभी मौजूद हैं। और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनवाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी भोपाल के प्रदेश कार्यालय थोड़ा दूर है ना, पासपोर्ट रखना, और मध्य प्रदेश के 64,523 बूथों पर जो आज भारतीय जनता पार्टी के योद्धा सभी कार्यकर्ता भाइयों बहन आज जो पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में हुए हैं, तो आज इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय अजय जम्बा जी, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के लोकसभा के चुनाव के प्रभारी आदरणीय महेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व गृहमंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, आदरणीय उमेश नाथ जी हमारे सम्मानित राज्यसभा के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भगवान दास जी, हमारी मंत्री आदरणीय कृष्णा गौड़ जी, हमारी महापौर मानती जी और इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और 64,523 बूथों पर मध्य प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतृत्व, सभी कार्यकर्ता और बूथ के सभी सम्मानीय अध्यक्ष जो आज हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज बूथ के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख आज मध्य प्रदेश के अंदर सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज हमारा सौभाग्य है कि ये 45वां वर्ष भारतीय जनता पार्टी का स्थापना का है। इन 5 वर्षों के अंदर 100वीं जयंती वर्ष भारतीय जनता पार्टी मनाएगी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 का विकसित भारत का संकल्प, तो ये अमृत काल की जो शुरुआत हुई है तो 100वीं जयंती का काल है और ये अमृत काल है, तो आज सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हम सब लोगों को आज का दिन हम सबके लिए सौभाग्यशाली दिन है कि उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहनों भाइयों के जिस भारतीय जनता पार्टी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान और संघर्ष के साथ जनसंघ हुआ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी। मैं सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों आज आपको कहना चाहता हूं कि आप बूथ के अध्यक्ष, आप बूथ समिति के सदस्य हैं, माननीय डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री है, बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन हम सब उस धारा के हैं कि हमारा जो दल भारतीय जनता पार्टी बना है ये बलिदान के आधार पर बना है। एक देश के अंदर दो विधान, दो निशान, दो प्रधान धारा 370 जब पंडित नेहरू ने देश के अंदर लागू की थी तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा नहीं चलेगा और इसका विरोध किया था और कानून तोड़ा था और उसके बाद जनसंघ को मिला था, वो जेल के अंदर रहे थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 के लिए बलिदान देश के अंदर दिया जिस पर आज हम सब लोग दुनिया के सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व रहे आज के देश के ताकतवर नेता गृहमंत्री अमित शाह जी ने जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते से दुनिया का सबसे बड़ा दल बनाया, तो आज आदरणीय जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं आज की तकनीक से युक्त सर्वस्पर्शी भारतीय जनता पार्टी देश के कोने कोने में खड़ी है, आप सब मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक बूथ को डिजिटल बूथ बनाया।
हर बूथ पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और लोकसभा के चुनाव में मोदी बूथ बनाकर के उनका ऊपर खड़े हैं। आज मैं कार्यकर्ता भाइयों और बहनों आपको बताना चाहता हूं, ये जो भारतीय जनता पार्टी आज 17 राज्यों में उसकी सरकार है, केंद्र के अंदर सरकार है, मध्य प्रदेश के अंदर पंच से लेकर के सरपंच, देश के अंदर राष्ट्रपति से लेकर के सारे स्थानों पर आज भारतीय जनता पार्टी के आप जैसे सभी कार्यकर्ताओं में से लोग आज नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन आज स्थापना दिवस के अवसर पर क्या अगर ये बलिदान के आधार पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है तो ये भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकाध मार्गदर्शन में विचार दिया है और वो विचार क्या है, अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण। एक झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति जो नगरा चंद्रमान के छोटे से गांव में एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय तो गरीब से गरीब व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी खड़ी की। और बढ़ते आगे रायपुर से बड़ी खबर, विद्युत सब डिवीजन में आग पर काबू पाया।